Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous problem related to the current electricity, we have the next problem is, in the meter bridge experiment, the balance point was noticed at J with AJ equal to L. Means, जो आपके पास पहले R और X given है, then balance point L position पे आपको obtain हो रहा है. Clear? The value of R and X were double. In the first part क्या किया गया? R और X को double कर दिया गया. Clear? And then interchanged. मतलब जब इनको doubling की गई, तो X वाले को यहाँ, R वाले को यहाँ रख दिया गया. Clear? Then what would be the new position of the balance point? We have to judge about the position of the null point या balance point की कहाँ पे होगा, वो हमने find out करना है. तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं. आपको बताइए 100 सेंटीमीटर की है. पहले अगर L पे आ रहा है, तो ये आपके पास रिमेनिंग कितना रहेगा? 100 माइनस एल. क्लियर? देन होगा क्या? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस मींस आर बाय एल इक्वल टू एक्स बाय 100 माइनस एल. तो आपके पास आर बाय एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एल बाय 100 माइनस एल. क्लियर? इन द नेक्स्ट सिचुएशन क्या किया गया? इसको भी डबल किया गया, इसको भी डबल, एंड देन इंटरचेंज. मीन्स R के प्लेस पे तो आपके पास क्या आ गया? 2x आ गया. और X के प्लेस पे क्या आ गया? 2R. इस तरह से इंटरचेंजिंग हुई है. तो अगर ये इंटरचेंज हो रहे हैं, देन बैलेंस पॉइंट भी चेंज होगा. लेट इट बी कि वो न्यू बैलेंस पॉइंट मेरे पास कहां पे आ रहा है? L डैश पे आ रहा है. तो ये कितना रहेगा? 100 माइनस L डैश. तो मींस इन द फर्स्ट पार्ट बेसिकली हमने क्या जज करना है? L डैश की न्यू पोजीशन नल पॉइंट की कहां पे होगी. तो L डैश पता करना है कि क्या होगा कि जब डबलिंग हो जाती है एंड इंटरचेंज हो जाते हैं. तो देखिए आपके पास क्या होगा? दिस अपॉन दिस मींस 2x बाय L डैश इक्वल टू 2R बाय 100 माइनस L डैश. मेरे पास ये आ जाएगा. ये दोनों कैंसिल आउट. तो यहां से क्या आएगा? यहां पे मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर देता हूं. 100 माइनस एल डैश डिवाइड बाय एल डैश इक्वल टू आर बाय एक्स. दिस वन इज इक्वेशन नंबर वन एंड लेट इट बी दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ये दो इक्वेशन है, देन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं. तो यहां पे क्या आएगा? एल बाय 100 माइनस एल इक्वल टू 100 माइनस एल डैश बाय एल डैश. ये चीज आ जाएगी. अब यहां से मैंने क्या करना है? L डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द टर्म्स ऑफ द L. तो मैं कैसे करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं. L इंटू L डैश इक्वल टू 100 माइनस L डैश इंटू 100 माइनस L. ये मेरे पास आ गया. अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं. ये 10 रेज टू पावर 4 होगा माइनस L डैश 100 माइनस 100 L प्लस L इंटू L डैश. ये आ जाएगा L डैश L डैश. L डैश से ये कैंसल आउट हो गया. तब मेरे पास क्या बचेगा? ये वाला बचेगा. देन यहां से मैंने L डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 100 तो मैं कॉमन ले लूंगा. मींस जब 100 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा? 100 माइनस L डैश और यहां पे कहेगा माइनस L इक्वल टू 0. तो ये इस साइड शिफ्ट कर जाएगा. देन आपके पास L डैश का वैल्यू क्या आएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. तो आपके पास ये तो नेगेटिव ही है इस साइड. तो मेरे पास ये क्या रहा? L माइनस 100. तो L डैश क्या होगा? 100 माइनस L. मींस मेरे पास जो न्यू पोजीशन आएगी वो क्या आएगी? 100 माइनस L पे आएगी. क्लियर? और अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया. ये ना मैं छोटा सा एक की कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि है क्या, कि शॉर्टकट में आप इसे कर सकते हो. कि जब आप क्या करते हो, रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज करते हो ना, तो उनकी लेंथ भी आपस में क्या होती है? इंटरचेंज हो जाती है. चाहे आप दोनों को डबल करो, चाहे ट्रिपल करो, चाहे फोर टाइम्स करो, जब आप इंटरचेंज कर देते हो देन उनकी लेंथ भी इंटरचेंज करिए. तो आपने देखा ना एल डैश का वैल्यू क्या आ गया? 100 माइनस एल आ गया. मींस ये वाला पार्ट यहां शिफ्ट करके ये वाला यहां शिफ्ट कर जाएगा. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द न्यू. क्लियर? सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है छोटा सा. इफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पोजीशन, हाउ विल द बैलेंस पॉइंट गेट अफेक्टेड? मीन्स अगर मैं गैल्वेनोमीटर को यहां पे और बैटरी को यहां पे प्लेस कर दूं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट?
there is no effect on the position of the null point, because at the position of the null point क्या होता है, galvanometer से कोई current flow नहीं करता, तो आप चाहे यहाँ पे कुछ भी connect करो, then there is no effect on the position of the null point, clear? तो आप चाहे यहाँ पे ये रख दो, ये यहाँ पे रख दो, then there will be no effect, clear students? Any doubt? Now student, अब जो मैं question discuss कर रहा हूँ, basically एक important question भी है. और आपको पता है कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं कि शॉर्टकट्स यूज हो जाते हैं, इवन वो जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, बट होता क्या है कि वी शुड नो द कॉन्सेप्ट. मतलब अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करूं देन इट विल बी द इजी, क्लियर, बट हमें दिखाई देने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, अदरवाइज वो इजी होते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस. आपने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस for the circuit shown in the figure, give reason to spot your answer. Basically you have to find out the value of the current through it, कि इसमें से कितना current flow करेगा. अब देखिए आपके पास ना यहाँ पे 2 loop बने हुए हैं, एक loop तो ये बना हुआ है और एक loop आपके पास ये बना हुआ है. एक इसमें battery और resistance लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक resistance और battery लगा हुआ है. मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन करंट इसमें इस टाइप से जाएगा, लेट इट बी I1. अगर करंट इसमें इस टाइप से जा रहा है तो यहां से वो एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर. और यहां पे मैं करंट लिख लेता हूं I1, क्लियर. ऐसे मैंने क्या किया, इस लूप में कंसीडर किया, लेट इट बी यहां से करंट गया I2 और इस तरह से जा रहा है वो I2, तो यहां से एंटर कर रहा है पॉजिटिव, यहां से लीव कर रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. लेट इट बी ABCD और इसको मैंने मान लिया EFGH, ठीक है. तो मैं क्या करता हूं, KVL अप्लाई करता हूं, बाय KVL ऑन लूप ABCDA. तो आपने रेजिस्टेंस स्टार्टिंग करनी है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, 5 × I1 प्लस होगा, फिर क्या होगा, -10 = 0. तो I1 का वैल्यू मेरे पास क्या आया, 10/5, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, क्लियर. तो आपके पास बेसिकली यहां पे जो I1 जा रहा है उसका वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है, क्लियर. ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, बाय द KVL ऑन लूप, अगर आप इस लूप पे अप्लाई करते हो, किस पे, EFGHE, तो आपके पास क्या होगा, जैसे मैं इस तरह से अप्लाई करता हूं तो -10 I2 +20 = 0. तो I2 का वैल्यू क्या होगा, 20/10, तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, क्लियर. तो मतलब जो यहां से I2 फ्लो कर रहा था उसका वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर. तो यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से भी 2 एम्पियर आ रहा है, और दोनों फ्लो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. तो अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पार्ट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, मींस इस पार्ट में से जो आपके पास करंट फ्लो करेगा वो 0 होगा. क्यों, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बी और ई के बीच में होता तो ही फ्लो कर पाता ना करंट, बट यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ही नहीं क्रिएट. यू कैन सी कि दोनों करंट क्या है, सेम है, बट दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल बी कैंसल आउट देयर इफेक्ट. तो मतलब यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा. या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये इन दोनों का क्या है, एक तरह से पार्ट नहीं है, दोनों लूप का पार्ट नहीं है. वी कैन से कि इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द सर्किट. तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, 0 आंसर होगा. क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.